रातों में जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूं, आंखें बंद होती है मगर सोता नहीं हूं। दोस्तों, रातों में जागने वाला मैं इकलौता नहीं हूं, आंखें बंद होती है मगर सोता नहीं हूं। बस यही बात मुझ में औरों से अलग बनाती है, मैं तुम्हारी तरह हर किसी का होता नहीं हूं। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई फॉरएवर ब्लॉगर में। दोस्तों, मैं आया हूँ इस वक्त गोवा में और मैं फिलहाल पणजी में हूँ और इस वक्त शिप में हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं समुंदर में हूँ, मतलब शिप के अंदर हूँ, समुंदर में हूँ, बात एक ही बनती है गाइस। तो अब आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बीच पे जो कि है तीन बीच, जिसका नाम है कंदोलिम, बागा और अंजुना। तो चलते हैं, सबसे पहले तो पहाड़ों पे चलते गाइस। यहाँ पे आने के बाद है ना, मुझे जाकिर खान जो है कॉमेडियन, उनके कुछ लाइन याद आ रहे जो मैं आपको सुनाता हूँ। दिन रात मेहनत करने के बाद भी गला घोट घोट कर जीना, खाने का वक्त कहीं नहीं और काम बहुत ज्यादा, इज्जत कम और पैसे उससे भी कम, माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे पे भरोसा हो जाए ऐसी किसी पे भी कोई बात नहीं, ए बड़े शहर तेरा मुझ पे बहुत कर्जा है, सब चुकाऊंगा बारी बारी, बस एक बार इस गोवा को घूमने दे अच्छी तरह से मेरे यार। तो वैसे इस वक्त मैं हूँ गोवा के कंदोलिम बीच में, बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कैसा है अंदर का माहौल। थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, गोवा है आखिर में, क्या कर सकते हैं। तो मैं भी लेके चलता हूँ आपको अंदर, फिर अंदर का आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये एंट्रेंस है कंदोलिम बीच का, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा, बट मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है अंदर गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, तो उनके लिए ये भी गेट बनाया हुआ है जहाँ पे वेलकम कंदोलिम लिखा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे शॉप्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, अगर आपको खरीदना हो जैसे कि चश्मा, कैप, चप्पल, सैंडल्स या फिर टी शर्ट, आप कपल्स में आते हो, जोड़े में आते हो या फैमिली के साथ आते हो, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। या फिर आप टैटू बनाने के शौकीन हो तो गाइस, मुझे लगता है इंडिया में सबसे सस्ते टैटू जो है सिर्फ गोवा में बनते हैं। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे जैसे कि नारियल पानी वगैरह है, वो भी काफ़ी अच्छा मिला है पीने के लिए, तो मैं जाते जाते नारियल पानी पीऊँगा यहाँ से। एक क्या बात है, काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स है यहाँ पे। तो गाइस हाँ, ये है, इसके पास से लूँगा, हाँ मैं आज जाते टाइम पे लेता हूँ। बाय द वे गाइस, आप गोवा में टेम्प्रेरी टैटू भी बनवा सकते हैं जो कि विद इन वीक धूल के साफ हो जाता है। ऐसा ऑप्शन इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझो परमानेंट टैटू बनाने के लिए डर लगता है तो आप टेम्प्रेरी टैटू यहाँ पे बना सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैं आया था मैंने बनवाया था टेम्प्रेरी टैटू, लेकिन इस वक्त नहीं। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बीच के ऊपर, ये है कंदोलिम बीच। यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्नैक्स वगैरह है, स्नैक्स यानी कि जो हॉट होटल होते हैं, ये झोपड़े टाइप के रेस्टोरेंट्स होटल ये है। बस गाइस एक बात बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको पैसा बचाना है तो आप लोग यहाँ पे मत आना खाने के लिए, क्या बात है, आते ही फॉरेनर के दर्शन, ओए होए आंखों को ठंडक, यहाँ पे मसाज चालू है गाइस। एक्चुअली गोवा में कैसे है ना, आप एंजॉय तो कर ही सकते हो, यहाँ पे खाना महंगा है बीच साइड पे, दारू काफ़ी सस्ता है, बट जिसको पीने का शौक है वो यहाँ पे आके दारू वगैरह पीता ही है नो डाउट। बट मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा गाइस, अगर आप गोवा में आते हो, अरे भाई आराम से भाग, तो अगर आप गोवा में आते हो और आपको सस्ता खाना खाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिटी में किसी भी होटल में खाना खाइए, आपको वहां पर सस्ता मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मच्छी राइस प्लेट वगैरह है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है 100-150 रुपये में, तो वही चीज़ यहां पे आएंगे आपको 350-400 रुपये में आएगा। तो आप खुद डिसाइड करना कि आपको कहाँ खाना है गाइस। वैसे लोग बीच के ऊपर काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मैं फ़िलहाल अकेला हूँ तो मेरा इन्जॉय यही है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा और अपनी आँखों को ठंडक दूंगा। एक्चुअली आज के डेट में ना गाइस, इंडिया के अंदर गोवा बीच के ऊपर फॉरेनर से ज़्यादा इंडियन लोग घूमते हैं, सीरियसली गाइस। तो अब पहले के जैसा मज़ा नहीं रहा, ये लोग अभी धक्का देके इसको बोट को पानी में लेके जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, ये जब रिटर्न आता है ना तो समुद्र में से सीधा रेत के ऊपर कैसे आता है ना, वो सीन आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, उसको भले मुझे स्लो मोशन में डालना पड़ेगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं।
काफी अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे, मुझे तो बहुत मजा आता है बिकॉज गोवा इज माय सेकेंड होम टाउन। क्या बात है आंटी जी, और ये कपल्स भी है यहाँ पे। गाइस अगर आप गोवा आते ही हो तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने मिलेगा, जो कि पैराग्लाइडिंग है। ओए होए 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 होए, क्या बात है गाइस। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप गोवा आते हो तो आपको यहाँ पे बोटिंग करना है या फिर पैराग्लाइडिंग करना है, जेट स्की पे जाना है, सर्फिंग करना है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए वो सर्फ कर रहा है, तो उसके जो प्राइस लिस्ट है वो आपको एंडिंग में मेरे वीडियो के दिख जाएगा, तो आपको बजट बनाने में भी ईजी पड़ेगा। क्या होता है अभी महंगाई बहुत है, मैं समझ सकता हूँ, हर कोई टाटा बिरला या अंबानी नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से बजट बना के आ सकते हो। इसीलिए मैंने प्राइस लिस्ट जो है मैंने एंड में डाल दिया है, तो आप लोग एक बार वीडियो पे जब एंड में पहुंचोगे तो पॉज करके प्रॉपर देख लेना कि इस चीज़ के लिए कितना प्राइस लगता है। बाय द वे जो हट बने हुए हैं ना गाइस, ये जो चेयर वगैरह डाल के बैठते हैं, ये भी रेस्टोरेंट वालों का ही है। ये जो फॉरेनर दिख रहे हैं ना गाइस, मेटल डिटेक्टर लेके घूम रहा है, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है। देखा जाए तो क्या होता है, बीच के ऊपर हम लोग नंगे पाँव घूमते हैं, तो देखिए अभी ये डिटेक्टर से इसने डिटेक्ट किया, कुछ तो मेटल का इसको पक्का मिला होगा। एक मिनट में थोड़ा जूम कर लूँ। ओके तो गाइस ये जो था, ये जो अपना कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना, उसका ढक्कन था, तो देखिए उसने वो तो ढूंढ के निकाल लिया, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ फॉरेनर लोग ही सोशल वर्क कर रहे हैं गाइस, अपने इंडियन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। ये देखिए समुंदर से सीधा रेत पे, क्या बात है, मजा आ गया गाइस देख के, मुझे एक अलग ही आनंद अनुभव। बाय द वे गाइस कंदोलिम बीच जो है ये मतलब तीन बीच एक साथ ही, मुझे ऐसा लगता है, कंदोलिम हो गया, बागा हो गया और फिर अंजुना बीच हो गया। क्योंकि अगर आप बीच पार से उस कोने तक देखोगे वो एंड तक, ठीक है, वो जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है वो अंजुना है, तो वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। काफ़ी मज़ा आता है गाइस ये साइड में। मैं आप लोगों से मतलब सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को अगर आना है तो जनवरी फरवरी में आइए गाइस, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और पब्लिक भी कम रहती है। सरदार जी गए छोटे बच्चे, तो मज़ा आता है ये साइड में। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे पब्लिक है फिलहाल में, और गर्मी भी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है क्या गाइस, बढ़ चुकी है गर्मी, हालत ख़राब हो गई है गर्मी से। यहाँ पे मस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है, या फॉरेनर बनने की कोशिश में जोकर बन जाते लोग, लेकिन ठीक है, सब पिए हुए रहते हैं, मजे कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी मजे करने आए हैं। तो गाइस आप लोग भी मजा करो, वीडियो को ऐसे एंजॉय करो, अभी तक बने हुए वीडियो पे तो सबसे पहले तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलो गाइस, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखा दोनों लड़कियां मस्त सेल्फी सेल्फी खेल रही थी, फोटो निकालकर। बाय द वे गाइस ये जो बीचेस है ये नॉर्थ गोवा में आता है, गोवा दो डिवाइडेड है ना, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। तो साउथ गोवा में मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब वहाँ के वीडियोस बनाऊँगा, इस वक्त नॉर्थ गोवा में हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने बनाया था यहाँ का, बट कंदोलिम बीच पे नहीं था, तब मैं बागा बीच पे था, तो इस बार मैं कंदोलिम बीच पे आया हुआ हूँ, तो कंदोलिम बीच का बना रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो ये वाले वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिए गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसा फील होना चाहिए कि आप लोग खुद यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप खुद मज़ा ले रहे हो। क्या होता है कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ऐसी जगह पर घूमने का आने का। मेरा नसीब अच्छा है, कुछ ना कुछ काम से आता रहता हूँ और फिर मेरा काम बन जाता है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो और आप लोग आके एंजॉय करो यहाँ पर आकर। धूप की वजह से ना हाथ नहीं खोल पा रहा है, इतना कड़क धूप लग रहा है। दोपहर का टाइम है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को ना शाम को एक 3-4 बजे के बाद और मॉर्निंग में बिफोर 10 o'clock आ जाओ ये साइड में, तो ज़्यादा अच्छा है। ये टाइम पर तो हालत ख़राब हो जाती है यार, मैं खुद कैसा काला काला दिख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है वीडियो में। बस ये है यहाँ का रेट लिस्ट, ठीक है, आप लोग एक बार पॉज करके देख लेना जो भी प्राइस है। चलता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ओवर हीट हो रहा है गर्मी की वजह से और रिकॉर्डिंग की वजह से, यहाँ से रिटर्न निकलना ही बेटर है। मैं इसके ऊपर से चलता हूँ। सर
तो गाइस इस पार्ट को हम यही एंड करेंगे वीडियो के, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जो टारगेट मैंने रखा हुआ है सब्सक्राइबर्स का, तो गाइस प्लीज़ लोगों को शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब करना बोलिए। और मैं जाने से पहले यहाँ पे मैंने बोला था इसको नारियल पानी पीऊँगा, तो यहाँ पे पहले मैं नारियल पानी पी लेता हूँ अभी। कितने का है? नॉर्मल 50 का है। और ठंडा? ठंडा 80 का है। ठंडा क्या नाम है दोस्त? गणेश सर। गणेश, तो गाइस कंदोलिन में आओगे तो गणेश के यहाँ पे नारियल पानी जरूर पीना। थैंक यू। अच्छा सर, नारियल पानी बॉस कोकोनट।